गाइस हम जा रहे हैं बच्चों को पार्क लेके और अभी बोलो तैयार है इधर, ये भी तैयार है। क्या चाहिए आपको? चल रहे मामा, चलिए चल। वो देखो कहाँ जाके लेटा पड़ा है। उठो बेटा, चलो चलो सुनो, चलो तुम माइक स्टार्ट करो। आजा आजा चंपू, अरे हाय गाइस वेलकम। भाई चप्पल बना के गाइस ताने हमारा वेट बहुत देर से कर रहे थे यहाँ पे बैठ। हाँ ये पता नहीं क्या कर रही क्या कर रही थी, उसके लिए हाथ जोड़ के लोग उसको कर रहे। वो कह रहा जीते रहो जीते रहो, खुश रहो तुम सब। किसके गगन की निकल रही है। ये देखो ये इसका चश्मा उतर गया। दिखाओ गगन, गौरव हो रहा। और ये देखो तान्या, ओ भैया तुम बच्चे का ना मारो, देखो उसके नहीं खेल पाओगे भाई इससे। मैं तो खेल ले खेलने खेलने मैं तभी तो मारे नहीं खेला खेल नहीं पाओगे इससे तुम। देखो देखो फॉर्म में आएगी अब हम जा रहे हैं। टाइम कितना हो चुका? 6 बज गया होगा, देख लो। देखो एक वहाँ धारा का तानिया ने, एक पीछे पापा ने, 33 हो रहे हैं, 6:33 हो रहे हैं। अभी हम लूडो खेल रहे थे, हमारी गेम आधे बीच में अटक गई है। और मैं लूडो अगर दिखाऊं तो देखो गेम देखो बीच में अटकी पड़ी है। बहुत ही गंभीर मैच, बहुत ही गंभीर मैच चल रहा है। हम घर जाके खेलने वाले हैं, अभी देखो मैं आपको दिखाती हूं। कंटिन्यू करेंगे इसको। बाकी दो जने जो है वो आगे जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि हम बाइक पे कैसे एडजस्ट होने वाले हैं। ओ भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। हम दो बाइक लेके आए और जने इतने सामने आए। हम स्कूल से लेके आए, स्कूल लेके आए थे तो इसलिए हो गया। अब देखते जानते हैं कैसे एडजस्ट होते हैं। चलो मिलते हैं घर पे, चलो घर पे मिलते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं, दिखाएंगे आपको कैसे एडजस्ट होएगी। गाइस गुड्डो ने रात को बहुत तंग किया था, उसका जो हमने जो हर्निया का बीच में स्किप कर दिया था, बट वो रात को बहुत ज्यादा परेशान हुई है। तो मैंने पापा को सुबह सुबह फोन किया, पापा अभी आए हैं। वो देखो अब मैं गुड्डो को लेके जा रही हूँ, अभी मैंने इसको रेडी किया है तो हम इसको लेके जा रहे हैं 30,000 स्टेफन हॉस्पिटल में उसको लेके जा रहे हैं। देखते हैं वहां पे डॉक्टर क्या बताता है। अभी फटाफट से दूध पी ले फिर हम निकलेंगे। और बाकी गौरव को गगन को मैं घर में ही छोड़ के जा रही हूँ, पापा को इसलिए बुलाया ताकि उनको देखते रहे। चलो चलो
जब इनकी बदमाशी देख लो, इनके अभी भी कपड़े चेंज करके गई थी, फिर इसने सुसु कर लिया है। मैं पूरे दिन परेशान हो जाती हूँ इनके काम कर करके। देखो कहाँ रखो इस टोकरी को जाके, ऊपर रख नहीं सकते, स्लैब पे जगह नहीं मिलता। और देखो अभी काम सारा पड़ा है मेरा, बर्तन से धोना बाकी है। क्या कर रहे हो आप? गुड्डो सो रही है, मैं जा रही कपड़े तय करने के लिए उधर, और ये भी जा रहे है। गुगी, गुगु, ए गुगु, गाइस यहाँ दूध उबल रहा है, चलते हम काम करने के लिए फटाफट से। कि मेरे को पहले तो एक मैसेज भी आया था कि उनका बेबी जो है बहुत ही वीक है, 1 मंथ का बेबी है, और उनको जो है बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि बेबी की केयर जो कैसे करनी चाहिए। तो वो मुझसे मैसेज में पूछ रहे थे कि हम मुझे बताओ कि बेबी को कैसे कपड़े पहनाना चाहिए, मिल्क पीते सो जाता है वो, और वीक भी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। जब वो हुआ था तो वेट बहुत अच्छा था, जब वो बाद में उसका वेट बहुत ज़्यादा लो होता गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप मेरा ब्लॉग देख लेना, मैं ब्लॉग में अच्छे से बता पाऊँगी, बिकॉज मैसेज में नहीं हो पाता कि उनको हर एक छोटी छोटी चीज़ का मैं मतलब रिप्लाई दे पाऊँ, और मैसेज में मतलब अच्छे से नहीं हम सामने वालों को समझा पाते कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दूंगी। तो आज गाइस वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कैसे न्यू बॉर्न बेबी की जो केयर करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने तीनों बेबी की थी। आप सबको पता था कि बेबी कितने ज़्यादा वीक थे, कैसे उनका वेट ठीक हुआ है और कैसे क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्टिंग ये है कि जैसे आपका बेबी अगर होता है, वो अब कोई भी बेबी अगर होता है ना, तो उस टाइम उनका वेट गेन ही होता है, क्योंकि वो पेट से निकलते हैं, उनका वजन उस टाइम होता है, तो उस टाइम उनका वेट ज़्यादा होता है, और धीरे 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 पहले शुरुआत के 1 हफ्ते में उनका वजन जो है गिरता भी है। स्टार्टिंग में पहले बढ़ता हुआ दिखाई देंगे, फिर गिरता हुआ दिखाई देंगे, क्योंकि मेरे बेबी के साथ भी ऐसे हुआ था। शुरू में जब वो पैदल लेते तो उनका वेट ठीक था, फिर धीरे धीरे उनका वेट गिरता गया, फिर वो जब 1 महीने के बाद फिर उनका वेट बढ़ता गया। तो उनके बेबी के साथ भी यही हो रहा है, वो कह रहे जब हमारा बेबी 2.5 किलो का था और अब वो कम हो गया है, बहुत वीक लगता है देखने में, तो टेंशन मत लो। और दूसरी बात कि अगर बेबी दूध पीते सो रहा है तो भी टेंशन मत लो। शुरुआत के 2-3 महीने में ऐसा होता है कि बेबी दूध पीते सो जाता है, तो सोने दो, जितना सोएगा उतना अच्छा उनकी उतना सही रहेगा वो। तो सो रहा है तो टेंशन मत लो, सोने दो, शुरुआत में ऐसा होता है। और बेबी अगर आपका मिल्क नहीं पी रहा, वो डब्बे का पी रहा है, वो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा मिल्क नहीं आ रहा, वो डब्बे का दूध पीता है, तो अगर डब्बे का भी पीता है तो गाइस गुड्डो को लेकर जाना है अभी सुई लगवाने के लिए। अभी फोन आया था आंगनवाड़ी से कि सुई लगवा लो आके, और मैं उनको गुड्डो उठा रहे, बट्टू उठे नहीं, उठ जाओ बट्टू, गगन गुड्डो को उठाओ, उठाओ उठाओ, इधर इनको उठाओ, जल्दी उठाओ, बोलो उठाओ, उठ गई मैं बिट्टू। अच्छा बेटा जा, चलो बेटा सुई लगवाने चलना, चलो चलो चलो, आपको नहीं लगा था आज, आज लगेगा, उतना नहीं लगा था गुगी, मम्मा रे सुई लगवा के बिट्टू आप रहना यहीं पे, आजा बेटा गुगी आप कम। तो चलो गाइस मैं इसको रेडी करके लेके जा रही हूँ सुई लगवाने के लिए। से ब्लॉग नहीं आ पा रहा, काफी लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपको ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा। एक तो आप सबको पता है कि एक चैनल हमारा जो है अभी वो ब्लॉग पड़ा हुआ है, मतलब डिमोनेटाइज है, तो उस पर हम वीडियो वगैरह भी नहीं डाल पा रहे हैं। और पहले आप सबको पता है कि हमारा चैनल जो है वो डिमोनेटाइज कर दिया गया है, जो रॉयन बी का पर्सनल ब्लॉग वाला है, तो उस वजह से हम उस पर जो है काफी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। वीडियो डाल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, अभी चैनल डिमोनेटाइज है तो बहुत दिक्कत है, तो इसलिए मैं इस पर नहीं डाल पा रही हूँ। कुछ टाइम का ही बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि सोनू जी जो है वो जॉब पे जाने लगे हैं, मुझे जो है पूरा दिन बच्चों से अकेले खाना पीना सारा काम अकेले करना पड़ता है, तो इस चक्कर में जो है मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती। और दूसरा वजह ये भी है कि अभी जो है हम गुड्डू को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे आप सबको पता है कि गुड्डू को हर्निया है, उस वजह से हमें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ रही है,
बीच में हमने थोड़ा सा रोक दिया था क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, हमने सोचा था बाद में करवाएंगे, पर फिर हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले गुड्डो रात को बहुत परेशान हो रही थी, उसका मतलब वही जो है बहुत ज्यादा सूज गया था, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है, तो मुझे बहुत टेंशन होगी। मैंने कहा अगर ऐसे हम डिले करते रहे तो ऐसा ना हो कि कभी इमरजेंसी हमें आ जाए, जब वो कहता है ना नस ब्लॉक हो जाती है जो एकदम से जब सूजा रहता तो दिक्कतें आ जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती वो दिक्कत मेरे पे आए, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं गुड्डो को ऑपरेशन सर्जरी जो है वो करवा होके रहेगा। तो हमने काफी जगह से हमने पता किया ऑपरेशन के बारे में, यहीं पे दिल्ली में हॉस्पिटल है, हमने उसमें पता किया है, तो ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, 10 दिन के अंदर का टाइम हमें दिया है, और हमने जो है कुछ अमाउंट था हमें यूएस से जो है बहुत ही अच्छी हेल्प मिली है गुड्डू को लेकर। तो मेरे जो यूएस में जो फ्रेंड है उन्होंने मेरी बहुत अच्छी हेल्प करी है, उनको मैं थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू है, उनकी जो भी मनोकामना हो भगवान सारी मनोकामना पूरी करे, ये मेरी क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी है ना कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को, बहुत ही मतलब कोई नहीं मेरी इतनी हेल्प कर सकता जितनी कि मेरे उन्होंने बहुत हेल्प करी है, तो थैंक यू सो मच। और आप सब भी दुआ करना उनके लिए कि जो मेरी हेल्प जो मेरी मदद कर रहे हैं उनको भगवान जो है सारी उनकी मनोकामना सारी पूरी करे, उनकी भी बस एक ख्वाहिश है कि उनके भी घर में एक नन्ना मुन्ना सा बेबी आ जाए। मैं दिल से डेली प्रे करूंगी कि भगवान उनको जल्दी से नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा बेबी गर्ल बेबी बॉय एनीथिंग कुछ भी दे दे, बट बहुत ही प्यारा सा दे, जो मैं कहती हूँ ना जो सबकी हेल्प करे भगवान उनकी हेल्प जरूर करते हैं, तो उन्होंने मेरी माँ बहुत बड़ी हेल्प करी है। ऐसे मैं यही चाहती थी आप सबको बताना कि मैं यही सब चीज में थोड़ा बिजी थी क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट थोड़ा मुझे करना था, तो वही मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरी हेल्प करी है। और गुड्डो को देखो अभी मैं दिखा के लेके आई हूँ आज भी मैं उन्हें, तो उनका ब्लड टेस्ट हो गया है, अब 10 दिन का टाइम उन्होंने मुझे दिया है और बोला कि 10 दिन के अंदर जो है गुड्डो को सर्जरी होगा, सो देखते हैं अब डॉक्टर हमें मैं इनको रिपोर्ट सेंड करूंगी ब्लड टेस्ट का, सीबीसी का रिपोर्ट मुझे बोलना टेस्ट हुआ था अभी तो उसका रिपोर्ट आ चुका है, मैं देखूंगी डॉक्टर भेजूंगी फिर देखते डॉक्टर कब का टाइम देता है सर्जरी का, फिर देखते सर्जरी टाइम। मैं आपको कोशिश तो पूरी रहेगी कि मैं आपको पूरी वीडियो दे पाऊँ सर्जरी के टाइम का जैसा भी है, बाकी देखो क्योंकि अकेले पढ़ाते ना ऐसी वीडियो बहुत कम मिल पाती है आप सबको, सो उसके लिए सॉरी। बाकी आप सबकी इस पर क्या राय होगी वीडियो में मुझे बताना जरूर। और भी मैं और भी किसी ने बताया था सर्जरी के ऊपर और भी, क्योंकि गाइस पता है क्या बहुत लोग कह रहे हैं कि मत करवाओ खुद ठीक हो जाता है, पर ना लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, मत करो बेटू, और देखो तीनों दिनों कैसे खेल रहे हैं, कोई काम मैंने सुबह उठते साथ ही मुझे भागना पड़ गया था गुड्डो के टेस्ट के लिए, तो मैंने कोई काम करके नहीं गई, सुबह लाइट भी चली गई थी गुड्डो को लेके मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, सारा काम मेरा अभी मैं घर में घुसी हूँ क्योंकि वहां से टेस्ट कराने के बाद मम्मी की ओर चली गई थी, मेरी सिस्टर को भी हॉस्पिटल जाना था उनके काम से मुझे जाना पड़ा उनके साथ, और अभी घर में घुसी हूँ, अब आते सकते पहले रोटी बना रही बच्चों को खाने के लिए, और देखो सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो रखी है मेरी, इनको भी मैंने बुलाया था 8 बजे करीब, मैंने कहा चलो घर चलना है, तो इतनी दिक्कत हो रही है गाइस, फिलहाल मैं अभी बच्चों को रोटी दे दूं क्योंकि रात हो रही है,